आइए बच्चों, आज हम पांचवी क्लास का अगला चैप्टर लेते हैं, द लिटिल बुली। उससे पहले मैं चाहूंगा जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, ऑफ एनी चाइल्ड, किसी बच्चे को, हु टीजिस, जो छेड़ता है, टीज मीन्स छेड़ना, अदर्स, दूसरों को, और पुशिज, या धक्का देता है, देम, उनको, अराउंड, इधर उधर, व्हाट वुड यू कॉल, आप क्या पुकारेंगे, सच ए चाइल्ड, ऐसे बच्चे को। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ो, एंड सी, देखो, हाउ, कि कैसे, हरी है जो ए लिटिल बॉय ट्रबल्स, परेशान करता है अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों को। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, ज़्यादा पहले नहीं, देयर वॉज ए स्मॉल बॉय, एक छोटा बच्चा था, कॉल्ड हरी, जिसका नाम हरी था, हरी पुकारा जाता था उसे, ऑल्दो, यद्यपि, ही वॉजंट वेरी बिग, वह बहुत बड़ा नहीं था, ही वॉज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत था, ताकतवर था, एंड ही लव्ड टू टीज, और उसे लव करता था, वह अच्छा लगता था, मतलब लव मीन्स यहाँ अच्छा लगना, छेड़ना, टीज मीन्स छेड़ना, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, सभी लड़कों को और लड़कियों को वह छेड़ता था, यह उसे पसंद था। हु वेंट टू स्कूल, जो स्कूल जाते थे, विद हिम, उसके साथ। What he loved to do, वह क्या करना पसंद करता था मोस्ट, सबसे ज़्यादा, was to pinch, पिंच करता था यानी चिकोटी काटता था वह, जैसे देखो ये काटने लग रहा है यहाँ पे। He could make a big bruise, और वह एक बड़ा bruise बना देता था, bruise means घाव, appear, जो दिखाई पड़ता था in half a second, यानी ऐसे चिकोटी काटता था कि आधे सेकंड में ही घाव दिखाई देता था। Another trick, और एक ट्रिक और करता था वह चालक की। ही प्लेड वाज प्रिकिंग, वह चुभाता था पीपल, लोगों को, विद ए पिन, यानी लोगों को पिन चुभा देता था वह। सो यू कैन गेस, तुम अंदाजा लगा सकते हो, हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम, कि कैसे उससे सारे बच्चे नफरत करते थे, हेट मीन्स नफरत करना, हेटेड, नफरत करते थे। दे ट्राइड, वे कोशिश करते थे, पिंचिंग हिम बैक, उसे वापस चिकोटी काटने की, बट, लेकिन, दैट वाज नो गुड, वह अच्छा नहीं था, बिकॉज, क्योंकि ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वह ज़्यादा हार्ड पिंच करता था, चिकोटी काटता था। दे डिडंट लाइक, वे पसंद नहीं करते थे टेलिंग, बताना, देयर टीचर, अपने टीचर को, बिकॉज, क्योंकि, दैट वाज टेलिंग टेल्स, वह टेलिंग टेल्स था, टेलिंग टेल्स एक प्रकार की चुगली है, मीनिंग इसका। इट सो हैपेंड, यह हुआ, दैट द क्लास वेंट फॉर ए पिकनिक, एक बार एक क्लास है जो पिकनिक के लिए गई, टू द सी साइड, समुद्र की तरफ, फॉर ए होल डे, एक दिन के लिए। All the children were most excited. सभी जो बच्चे थे, excited means उत्तेजित। On that day, उस दिन, the sun shone bright, सूर्य है जो चमक रहा था, bright, बिल्कुल चमकीला था, and all the children were wild, सारे बच्चे बिल्कुल ऐसे रो रहे थे जैसे जंगलियों की तरह, with excitement, उत्तेजना से। दे क्राउडेड, उन्होंने भीड़ लगा दी, इन टू द ट्रेन, ट्रेन में, यानी इसका मतलब है इकट्ठा हो गए भीड़ ट्रेन में, एंड सेट डाउन, और बैठ गए, बट नोबडी वांटेड, लेकिन कोई नहीं चाहता था टू सिट, बैठना, नेक्स्ट टू हरी, हरी के आगे, यानी हरी के साथ कोई नहीं बैठना चाहता था, बिकॉज, क्योंकि ही ऑलवेज पिंच्ड, वह हमेशा चिकोटी काटता था। ये देखो बैठे हुए हैं बच्चे,
ये यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन ये हरी है, देखो कितना ज्यादा ना अकेला बैठा, इसके पास बैठना कोई पसंद नहीं करता था। When they arrived at the seaside, जब वे सी साइड की तरफ पहुंचे, अराइव्ड मीन्स पहुंचे, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों ने बाहर कूद कूद गए, जंप लगा दिया, विद ए शाउट ऑफ जॉय, खुशी की चिल्लाहट के साथ। डाउन टू द सैंड्स, रेत की तरफ, दे रेस्ड, उन्होंने रेस लगाई, हैंड इन हैंड, हाथ पकड़ के, बट नो बॉडी टुक हरीज हैंड, हरी का हाथ किसी ने नहीं लिया, किसी ने पकड़ा ही नहीं। नो बॉडी वेंट नियर हिम, कोई उसके पास नहीं गया, नियर मीन्स पास जाना। हरी वाज एंग्री, हरी क्रोधित था, एंग्री मीन्स गुस्सा या क्रोधित। ही वेंट टू ए सैंडी कॉर्नर, वह एक रेतीले कोने में गया, सैंडी मीन्स रेतीला, कॉर्नर मीन्स कोना। नियर ए रॉकी पूल, एक पथरीले, रॉकी मीन्स चट्टानी या पथरीले पूल के पास। एंड सेट डाउन, और बैठ गया, बाई हिमसेल्फ, स्वयं वहीं बैठ गया। ही टुक आउट हिज लंच, उसने अपना लंच निकाला, एंड लुकड एट इट, और उसकी तरफ देखा। इट वॉज ए गुड लंच, यह एक अच्छा लंच था। देयर वर टू हार्ड बॉइल्ड एग्स, लंच में उसके पास दो उबले हुए बॉइल्ड उबले हुए एग्स थे। सिक्स जैम सैंडविचेज थी, थ्री पीसीज ऑफ ब्रेड एंड बटर थे, ए जिंजर केक, और एक जिंजर केक था, एंड ए बार ऑफ चॉकलेट, और एक चॉकलेट की बार थी। ही वुड ईट, वह खाएगा, इट ऑल, इस सबको खुद खाएगा, बाई हिमसेल्फ, स्वयं खाएगा। ही वुडंट ऑफर, वह किसी को ऑफर नहीं करेगा, एनी थिंग टू एनी वन, कोई भी चीज़ किसी को ये नहीं कहेगा कि खा लो, किसी को ऑफर नहीं करेगा। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जो ही वह अंडों को शुरू करने वाला था खाना, ही हर्ड, उसने सुना, ए हॉर्स, एक कर्कश सी भद्दी सी वॉइस, आवाज, नियर हिम, उसके पास। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज्ड, मैं इतना खुश हूँ, टू मीट, मिलकर, ए बॉय, एक लड़के से, लाइक यू, तुम्हारी तरह के। हरी टर्न्ड अराउंड, हरी पीछे को मुड़ा, एंड स्टेड, और उसने घूरा, इन फ्राइट, भय में, फ्राइट मीन्स डर या भय। वट एवर डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, ही शाह, उसने देखा, हरी शारी ने देखा, ए मॉन्स्टर क्रैब, एक मॉन्स्टर मीन्स विशाल, बड़ा, क्रैब, क्रैब मीन्स केकड़ा, वॉकिंग, चलते हुए साइडवेज एक तरफ, आउट ऑफ द पूल, जो पूल से बाहर जा रहा था, बाहर निकल रहा था। हीज आईज, उसकी जो आंखें थी, वर ऑन द एंड्स ऑफ द शॉर्ट स्टॉक, उसकी जो आंखें थी वो शॉर्ट स्टॉक की तरफ थी, वे डंडल से होते ना उनकी तरफ थी स्टॉक्स। एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वियर, और बड़ा ही अजीब दिख रहा था, क्वियर मीन्स अद्भुत या अजीब। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लाउ, उसने अपने फ्रंट के आगे वाले जो क्लाज है, पंजे हो, हरी की तरफ किए, आगे की तरफ किए, हेल्ड आउट किए टू हरी, हरी की तरफ। हरी पुट आउट हिज हैंड, हरी ने अपने हाथ को आगे निकाला, टू शेक, मिलाने के लिए, द क्रैब्स क्ला, उसके पंजों में, यानी उसने एक प्रकार का उसके पंजों से हाथ मिलाने के लिए आगे किया, ये देखो। बट टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ, एंड एंगर, और गुस्सा हुआ, द क्रैब ओपन हिज पिंसर्स, क्रैब ने अपने पिंसर्स को खोला। पिंसर्स चिमटे से होते हैं, जैसे देखो इसके दो भागों में बटे हुए, ये जो इसके क्लाज है, इधर और एक इधर, तो ये अलग अलग हो गए, इनको पिंसर्स बोलते हैं। एंड निप्ड, और काट लिया, हिज हैंड, उसके हाथ को, सो हार्ड, इतना जोर से काटा, दैट द लिटिल बॉय येल्ड, बच्चा है चीखा, येल्ड मीन्स चीखा। आ हियर इज माई गुड कजिन, सेड द क्रैब, और उस क्रैब ने कहा, ये देखो ये मेरा अच्छा कजिन है, यानी हमारे जैसा ही है, जैसे हम ची को ठीक काटते हैं ये भी काटता है हमारे जैसा ही। प्लेजेंटली, सुखपूर्वक, एंड टू हरी जोरर, और हरी को बिल्कुल भय लगा, हॉरर लगा। ही शाह, उसने देखा, ए लार्ज सैंडी लॉबस्टर, एक बड़ा सैंडी लॉबस्टर, रेतीला, रेत में रहने वाला लॉबस्टर होता है, एक प्रकार का झींगा, झींगा मछली, क्रावलिंग करते हुए आ रही, रेंगते हुए हैविली,
थोड़ी वो बारिश ही होगी, आउट ऑफ द पुल, पुल से बाहर। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि छोटा बच्चा उसको रोक पाता, द लॉबस्टर टूक हिज हैंड, लॉबस्टर ने उसका हाथ लिया, इन हिज ग्रेट पिंसर्स, अपने पिंसर्स में, लाइक कलाज, कलाज जैसे होते थे जैसे दोनों तरफ खुलते हैं, तो चिमटे की तरह ही हाथ को लिया ऐसे और दबा दिया, एंड पिंच्ड, और चिकोटी काट ली, इट सो हार्ड, इतना जोर से, दैट हरी येल्ड, हरी चीखा, इन पेन, पेन में, पेन मीन्स दर्द। देन तब ही स्टेयर्ड, उसने घूर के देखा एट द पूल, पूल की तरफ, इन सरप्राइज, आश्चर्य, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, फॉर आउट केम ए सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स, तभी एक सैंडी कलर का श्रिम्प्स आया, ये भी एक प्रकार का केकड़ा होता है 10 पैर का, एंड प्रॉन्स, और प्रॉन्स आया, प्रॉन्स एक झींगे होते हैं ये भी, मोर क्रैप्स, और बाकी केकड़े आए, एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर, और एक और बड़ी लॉबस्टर आई, झींगा मछली आई, एंड दे प्रिक्ड, उन्होंने काटा हरी हरी को, टिल ही वाज सून ब्लैक एंड ब्लू, जब तक काटते रहे वे इसको, जब तक वो काला नीला नहीं हो गया, विद देयर पिंचिंग, उनकी पिंचिंग से, जैसे काला पड़ जाता है ना पिंच करने से, चिकोटी काटने से। डोंट यू लाइक इट, क्या तुम ये पसंद नहीं करते हो, सैड ऑल द क्रिएचर्स, सभी जीवों ने कहा, इन सरप्राइज, आश्चर्य में, वाई, वी वर टोल्ड, हमें तो बताया गया था, यू वुड लव टू सी अस, के तुम्हें अच्छा लगेगा हमें, हमसे मिलना, बिकॉज, क्योंकि, यू वर ए चैम्पियन पिंचर, तुम तो बड़े चैम्पियन हो पिंचिंग करने में, चिकोटी काटने में, एंड प्रीकर, और चुभाने में, प्रीकर हो, बहुत बड़े चैम्पियन प्रीकर हो और चैम्पियन पिंचर हो, योर सेल्फ स्वयं, कम आओ, कम जॉइन इन द फन, आओ आनंद करेंगे, फन करेंगे। हरी लेफ्ट टू हिज फीट, हरी उछला अपने पाँव पे, क्राइंग, रोते हुए, चिल्लाते हुए, लाउडली, जोर से, हिज लंच रोल्ड, उसका जो लंच था वह लुढ़क गया, इन टू द पूल, पूल में, एंड व्हेन द क्रैब्स, जब क्रैब्स, केकड़े, एंड लॉबस्टर्स, और झींगा मछलियाँ, शाह उन्होंने देखा, इट इसे, दे रेन, वे भागे टू इट इस की तरफ, एंड बिगेन टू फिस्ट ईगरली, और उन्होंने दावत लेनी शुरू कर दी, जो भोजन था ना दावत लेना, जो गिर गया था उसको खाना शुरू कर दिया ईगरली, उत्सुकतापूर्वक। हरी शाह, हरी ने देखा, दैट कि दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर ए टाइम, वे थोड़ी देर के लिए उसको भूल गए हैं, एंड ही टर्न, और वह मुड़ा, एंड रेन फॉर हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए भागा, रेन भागा, टीयर्स स्ट्रीमिंग, टीयर्स थे जो बह रहे थे डाउन हिज चिक्स, उसके गालों पे, दे ओनली डिड टू मी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, व्हाट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन, जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता रहता हूँ, ही थॉट, उसने सोचा, हरी ने सोचा, बट, लेकिन, हाउ इट हर्ट, कैसे यह चोट पहुंचाता है, एंड हाउ आई हेटेड, और कैसे मैं नफरत करता था दोज क्रैब्स, उन क्रैब्स से, एंड लॉबस्टर्स से, आई सपोज, मैं सोचता हूँ, द अदर चिल्ड्रन हेट मी, ऐसे ही दूसरे बच्चे मुझसे नफरत करते होंगे, मुझसे भी नफरत करते होंगे, टू मीन्स भी, वेल, आई जोली, वेल जोली मीन्स विनोदी या प्रसन्न, जोली का मीनिंग होता वेल, शैल नॉट पिंच, किसी को भी अब मैं चिकोटी नहीं काटूंगा, और प्रिक या चुबाऊंगा नहीं एनी मोर, आगे से, मतलब मैं किसी को न तो चिकोटी काटूंगा और न कुछ चुबाऊंगा, ये जो बैठा हुआ है ना यहाँ पे, ये हरी है, और ये लॉबस्टर्स, केकड़े, प्रिंसर्स, ये चैप्टर है जो एनिथ ब्लाइटन के द्वारा लिखा गया है, एडेप्टेड, मतलब उसमें से एक भाग है, एडेप्टेड है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा चैप्टर, इससे आपको शिक्षा मिलती है, हमें दूसरे बच्चों को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी कष्ट होता है, जब हमें कष्ट होता है, हमें कोई कष्ट पहुँचाए तो उन्हें भी होता होगा, तो हमें दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।